हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको ये सिंगल बॉर्डर बुनना बताऊंगी। और ये बॉर्डर जो है मैंने एक लेडी स्वेटर में डाला है, तो इसके लिए मैंने 50 फंदे डाले हैं। हमने 50 नीडल आगे कर लेनी है राइट साइड की, और लेफ्ट साइड की 0 के साथ वाली जो नीडल है दोनों साइड से हमने 25-25 नीडल आगे कर लेनी है। उसके बाद हम एक एक नीडल को पीछे कर लेंगे, एक नीडल आगे और एक नीडल पीछे कर लेंगे। फिर हमने कुछ रो वेस्ट धागे से लगाएंगे। एक रो लगाने के बाद हम ये हुक लगा लेंगे और साथ में वेट भी लगा लेंगे। और बाकी जो नीडल है ये हम आगे कर लेंगे, और एक नीडल हमने साइड से आगे कर लेनी है ताकि हमारे ये 50 फंदे पूरे हो जाएं। और अब हम कुछ रो ऐसे ही लगाएंगे वेस्ट धागे की। और एक एक सिलाई हमने अलग से धागे की लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद एक अलग से कलर की, तो फिर हमने नीडल आगे कर लेनी है। नीडल आगे करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये सारी नीडल को हम इस तरह से धागे से लपेटते जाएंगे। अब हम इसमें 4 सिलाई लगा लेंगे, एक 2 3 4। चार सिलाई के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे से जहाँ से हमने ये धागे को लपेटा था वहाँ से हमने ऐसे फंदे उठाने हैं और इसको डबल करते जाएंगे। इस तरह से हम इसको डबल कर लेंगे। इस तरह से हम सारे अब 2 सिलाइयाँ और लगाएंगे, 1 2। 2 सिलाई के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, 0 के पास हमने एक नीडल आगे कर लेनी है और 9 नीडल हम पीछे रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक नीडल आगे। इस तरह से हमने नीडल सेलेक्ट कर लेनी है, 9 हमने पीछे रखनी और एक नीडल आगे कर लेंगे। अब देखिए, जो नीडल हमने आगे की है
उसके बाद हमने क्या करना है, साथ में जो नीडल है पीछे, 1 2 3 4 चौथी जो नीडल है इसमें से हमने फंदा निकालना है, और ये जो पांचवी नीडल है इसमें हमने 3 फंदे दोनों साइड से एक एक फंदा इस नीडल में डाल देंगे, और साइड में जो 3 फंदे हैं ये निकालेंगे, और जो अगली नीडल में जो खाली है उसमें हमने ये फंदे डाल देने हैं। यहाँ हमारी एक नीडल खाली हो गई है, जो दोनों साइड से हमने 3 3 फंदे निकाल लिए और दोनों साइड हमारी एक एक नीडल खाली हो गई। अब हमने आगे भी ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 चौथी जो नीडल है उसका फंदा निकाला और पांचवी नीडल में हमने ये फंदा डाल देना है। दूसरी साइड से भी हमने एक फंदा निकाला और पांचवी नीडल में ये डाल दिया। इसमें हमारे 3 फंदे हो गए और दोनों साइड से हमने 3 3 फंदे निकालने हैं और अगली नीडल में ये फंदे डाल देने हैं। और यहाँ हमारी दोनों साइड एक एक जाली डलेगी, और यहाँ भी हमने 1 2 3 4 चौथा जो फंदा है वो हमने पांचवी नीडल में डाल देना है, और यहाँ 3 फंदे हैं इनको भी हम निकालेंगे और अगली नीडल में डाल देंगे। इसी तरह से हमने सारे फंदे इस तरह से हमने ये ट्रांसफ़र कर लेने हैं। जो नीडल हमने आगे की थी उसके दोनों तरफ हमारे एक एक फंदे की जाली डल जाएगी। देखिए यहाँ भी जाली दोनों साइड डलेगी, यहाँ भी और यहाँ भी, जो जितनी भी नीडल हमने आगे की थी। अब यहाँ हमारे 1 2 3 तो ये चौथी नीडल, ये लास्ट वाली नीडल है, तो हमने तीसरा फंदा जो है ये हमने इस नीडल में डाल देना है, और ये 2 फंदे हमने आगे इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेने। अब हम ये सारी नीडल आगे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। 2 सिलाई के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए ये बीच वाला जो फंदा है जिसमें हमने 3 फंदे आए थे, हमारे दोनों साइड से हमने एक एक फंदा ट्रांसफ़र किया था। देखिए अब हमने 2 फंदे यहाँ से निकाले और जो खाली नीडल की है उसमें हमने ये डाल देने हैं, और यहाँ हमारी एक एक जाली दोनों साइड से पड़ जाएगी। यहाँ भी हमने ऐसे ही फंदे ये अगली नीडल में डाल देने हैं। देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, इसमें हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा निकाला और बीच वाली नीडल में डाल दिया, और दोनों तरफ से दो दो फंदे इस ट्रांसफ़र टूल में लेंगे और बीच वाली नीडल में हमने आगे जो खाली नीडल है उसमें हमने डाल देना है ये। अब यहाँ हमारा एक फंदा है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ हमारे 3 फंदे हैं ना बीच में, तो यहाँ हमने एक जाली डाल देनी है। इस तरह से हम एक जाली डाल देंगे, इधर भी हम क्या करेंगे, एक फंदा आगे और 2 फंदे हमने आगे ट्रांसफ़र कर लेने हैं। यहाँ भी हम एक जाली डाल लेंगे, ठीक है। बाकी हमने जितनी भी नीडल हमने खाली की है वो आगे कर लेंगे और 2 रो लगा लेंगे। देखिए 2 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हमने, देखिए यहाँ ये बीच वाला ये फंदा है ना, ये दिखाई दे रहा है,
तो ये दोनों साइड से हमने एक एक फंदा उठाया और इस नीडल में डाल दिया। अब हमारे साइड में एक एक फंदा रह गया है, इसको भी हम अगली नीडल में डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से, और यहाँ भी हमने, यहाँ एक जाली आ गई, यहाँ भी हम तीन फंदे इकट्ठे करेंगे और साइड के एक एक फंदा हमने अगली नीडल में डाल देना है। यहाँ हमारी दोनों साइड एक एक जाली आ गई। अब हमने बीच में दो जाली डालनी है, एक इस साइड और एक दूसरी तरफ। यहाँ दो दो जाली आ जाएगी हमारी बीच में। एक फंदे को छोड़ के हमने एक फंदा खाली करना है। हमने यहाँ जाली आ जाएगी हमारी, और हमने क्या करना है, जो नीडल हमने खाली की है वो नीडल हम आगे कर लेंगे। फिर हमने दो सिलाइयाँ लगानी हैं। दो सिलाई लगाने के बाद इस तरह से ही ये हमारा बॉर्डर दिखेगा। अब हमने क्या करना है, एक एक फंदा हमारा रह गया है तो इसको भी हम इस बीच वाली नीडल में, तीन फंदे अब हमारे ये आ गए, अब ये दोनों साइड हमारी एक एक जाली आ गई। अब हमारा ये जो नौ फंदों का, जो यहाँ जो हमने नौ फंदे रखे थे पीछे, वो अब हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। इस तरह से यहाँ हमारे, अब यहाँ कोई फंदा नहीं है तो यहाँ हमने ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमने एक एक जाली ऐसे ही डाल लेनी है। एक फंदे को छोड़ के एक फंदा हमने दूसरे फंदे में डाल देंगे। एक एक जाली यहाँ आ जाएगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने बीच में हमने एक फंदे को छोड़ के दूसरा फंदा हमने निकाला और एक एक जाली डालेंगे। और जो नीडल हमने पीछे खाली की है वो हम सारी आगे करने के बाद टू रो लगा लेंगे। टू रो लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बॉर्डर आएगा। अब ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब टू रो और लगा लेंगे इस तरह से। देखिए देखने में इस तरह से आता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।